उनको भी काम दिया जाता है, वो भी काम, आप भी काम कर रहे थे ना, तो किसके लिए कर रहे थे? पैसे के लिए, जॉब की उस टाइम नहीं थी, उनकी भी मजबूरी है, उनको काम दिया गया है, तो वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं अपने हिसाब से। मतलब कि आरबीआई की गाइडलाइन तोड़ देंगे। आपकी तरफ से मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, लेकिन आरबीआई गाइडलाइन 3 EMI बाउंस होने के बाद आप रिकवरी के लिए कर सकते हैं। 2.5 दिन से ही मेरे पास कॉल आने लगी और गालियाँ देने दी जाने लगी थी। 27 days, 1 महीने भी पूरे नहीं हुए यार। 1 महीने जब बंदे भी पूरे नहीं हो सकता है, 3 दिन बाद वो पेमेंट कर दे, लेकिन आप 3 दिन पहले किसी को गालियां दोगे तो बंदा करता भी होगा ना, तो नहीं करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, बैंक के पैसे क्यों मारे जाते हैं? इसी वजह से, रिकवरी एजेंट की वजह से, क्योंकि वो गाली देकर निकल जाते हैं ना। वो अपना एड्रेस बताते हैं, अगर एड्रेस बता देना, सच बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने गाली दी अगर वो एक बार अपना एड्रेस भी बता देता ना, वहीं पहुँच जाता। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं आपकी बिल्कुल बात समझ रहा हूँ। ये होता है, अब मान लीजिए मैं ही लेके बैठा हूँ कहीं से ना, और क्योंकि इनको ये काम होता क्या है, ये रिकवरी वाले खुद तो खुद करते हैं सर। इसमें क्या होता है कि हमारा नहीं होता, हाथ ही सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर वाले से जाता है मैसेज, हमारा हाथ इसमें कुछ होता ही नहीं है। जब हमारे पास होगी फाइल तो हम बिल्कुल प्यार से कस्टमर से किसी से कुछ तू तलाक नहीं बोलते, हम कुछ हमें मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है कि पेमेंट की, इंसान को जो सामने वाला कस्टमर है उसकी जो क्या नीड है, क्या नीड नहीं है उसको देखना, और क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उसको देखना। हमें उससे कोई मतलब नहीं होता था कि उसका खानदान कहाँ है, उसका भाई कहाँ है, उसका बहन कहाँ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, शायद जिन लोगों को आपने मेरी फाइल दी थी या आपके टीम से गई होगी, व्हाटएवर, जो भी जिसने भी दिया, मैं आपको ये नहीं बोला कि आपने दी थी, XYZ जिसने भी दी होगी, उस बंदे ने ना गलत बंदों को मेरी फाइल दे दी और गलत बंदे की फाइल दे दी। मैं कैसे बोल रहा हूँ, सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि जो उन रिकवरी वालों ने किया ना मेरे साथ, वो 2011-12 में, सुनिए 2011-12 में सिटी बैंक की रिकवरी मैं भी करता था, ठीक है। गलती से एयरफोर्स का बंदा था, ध्यान से सुनना मेरे, एयरफोर्स का बंदा था, बराबर पेमेंट कर रहा था, हुआ क्या, उसको ध्यान नहीं रहा या फिर जानबूझ के हुआ, व्हाटएवर, उसकी ईएमआई बाउंस हुई थी। उसकी ईएमआई बाउंस हुई, मैंने फोन लगाया, उसने नहीं उठाया, उसकी वाइफ ने उठा लिया। तो मैंने थोड़ा रूडली, मैंने रूडली बात की, रात वो बंदा ना, रात वो बंदा डिटेल्स निकलवाई, फ्लाइट करके बैंगलोर से यहाँ गुड़गांव आ गया था। हाँ हाँ ये चीज मैं जानता हूँ। देखिए सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपकी बात आ गया था, लेकिन खड़े खड़े मेरा टर्मिनेशन करवाया था। उस टाइम बैंक ने सीधे बोल दिया था, हम नहीं जानते कौन है। अरे सर वो ठीक है, आपकी बात वो, लेकिन वो मेरी लास्ट जॉब थी रिकवरी वाली। नहीं आप मुझे तो समझे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी भी तो बात समझे। आप वो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरी भी तो समझे ना, सुने हाँ, मेरी बात भी तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ जो है सर, आप उसकी पेमेंट कर दो, मैं बाकी उसकी बात कर लूंगा। हाँ सर आप भी बताइए ना, इतनी गालियाँ सुनने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं कैसे कर दूँ? देखिए सर मैं बोल रहा हूँ ना, आपको एक भाई के नाते से आप मेरी सुन सकते हो ना। आप एक भाई के नाते मैं आपकी बात मैं सुन भी लूँ, एक वो भी तो भाई थे जिनको मैंने प्रॉब्लम बताई थी, जिन्होंने मेरी माँ बहन कर दी। सुनिए आपने उनकी बात क्या कही क्या नहीं कही, लेकिन देखिए आपको अब वो तो नहीं थे कह रहे कि हाँ भाई मैं भी राहुल बोल रहा हूँ, आपको ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे तो आपके नाम से पहले, सबसे पहले मैंने कॉल किया गया, तो भाई नाम भी मेरे जैसे ही है, बंदा भी होगा मेरे जैसा ही, पहले बात कर लेता हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछो, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? देखिए सर मैं सच बताऊँ ना, आपकी जगह होता ना, रियली मैंने लिया, ये मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैंने प्रॉब्लम में लिया, लेकिन मैं प्रॉब्लम में ही सब लेते हैं, वो लेगा ही नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा एक जिम्मेवारी और ये कर्तव्य बनता है कि मुझे देना बनता है। क्योंकि पता क्या होता है सर, अब मैं कुछ ले रहा हूँ ना तो किसी और की चीज है, मेरी चीज नहीं है, तो वहाँ गलती मेरी भी है। बिल्कुल, अब मैं आपको जवाब दूँ, मैंने अगर देने के लिए मना किया हो तब मेरी गलती है, या मैं प्रॉब्लम में हूँ, आपको इन्फॉर्म ना किया, बताया ना कि गुरु जी थोड़ा टाइम दे दो, मैं मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको दे दूंगा। हावी तब हो सकते हो जब मैं बोलूँ भाई नहीं देता। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बंदा मर रहा है, उसकी फटी पड़ी है, उससे आप बोलो भैया अभी कर मुझे नहीं पता अभी कर, तो आप बताओ ना क्या करेगा बंदा।
किसी भी प्रॉब्लम को तो समझो, अगर मेरे मेरा टाइम वैसे ही चल रहा होता जैसे पैसे पहले चल रहा था, तो आपके यहाँ से किसी को कॉल करने की जरूरत पड़ी? आप बिल्कुल नहीं पड़ी, जब मैं प्रॉब्लम में आया ना तभी तो प्रॉब्लम हुई। बात मेरी सुनिए पहले आप, ठीक है? अगर मैं भी हूँ यहाँ पे, अब देखो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे, मैंने आपकी बात की पॉइंट माना, लेकिन उनको भी काम दिया जाता है, वो भी काम, आप भी काम कर रहे थे ना, तो किसके लिए कर रहे थे? पैसे के लिए। जॉब थी उस टाइम नहीं थी, उनकी भी मजबूरी है, उनको काम दिया गया है, तो वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं अपने हिसाब से। मतलब कि आरबीआई की गाइडलाइन तोड़ देंगे? नहीं नहीं, जो आप रिकवरी, आप रिकवरी बता रहे हो, आपने किया है तो आपको पता नहीं होगा कैसे होता है। मैं बोल रहा हूँ आपके बंदों ने गालियाँ दी, बराबर गालियाँ दी, लेकिन हमने गालियाँ नहीं दी है। तो वो बात ठीक है, देखिए हम आ गए हैं इधर, मेरे पास फाइल है तो मेरे पास सब कुछ है, अब तो आप मुझसे बात करिए ना, अब क्या था क्या नहीं था, देखिए उस चीज की अब आप मेरे से बात करके चला जाए, दूसरा बंदा आगे सॉरी बोल बोल दे, तो यार उसी बंदे को बोलो ना, उसी बंदे को बोलो जिसने गालियाँ दी थी, वही आगे पैसे दे जाए, मैं पैसे देता हूँ फिर उसको। एक बात बोली ये, तो फिर मैं मान लूंगी मेरे को कोई बोले ऐसे, तो मैं फिर ये तो अपने ईगो पे ले जाऊंगा ना, कोई बंदा आपको प्यार होता है, ये बैंक के पास ईगो है, वो अपने पैसे के लिए चार्जेस लगाया जा रहा, माँ बहन भी किया जा रहा, चार्जेस भी लगा रहा, माँ बहन भी कर रहा, उसका अपना ईगो है, कस्टमर का। अगर आप गाँव से भी लोग है ना, गाँव में भी किसी बंदे से लोग है ना, तो वो भी लगाएगा, आपको देना पड़ जाएगा सर। गाँव में अगर मैं किसी बंदे से लूँ, गाँव में अगर किसी बंदे से लूँगा ना, तो पहले तो मैं उसका उसकी सारी डिटेल्स जानता रहूँ कि कौन है बंदा, कैसा है, गलती से उसने इसलिए, अरे सुन तो लीजिए गुरु जी, ठीक है, गलती से उसने तू तड़ाक करके बात कर लिया ना, क्या गाली दे दी पैसों के लिए, टेटवा और दबा दूंगा, गाली कैसे दे रहा भाई, पैसे तो भूल जाओ, टेटवा और दबा दूंगा, क्योंकि जब मैं गाँव से किसी से लूंगा ना, उसके घर तक मेरे को हर चीज पता रहेगी। अब यहाँ पे तो 75 नंबर आ रहे हैं, कोई यहाँ से बोल रहा, कोई वहाँ से बोल रहा, कोई कहाँ से बोल रहा, फोन पे इंसान ना बाप सिर्फ फोन पे ही है, क्योंकि उसको पता है फेस टू फेस अगर वो बोल देगा ना, तो बंदा उसको नाप देगा वहीं पे। हाँ हाँ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन आप मेरी बात से आपको कुछ लगा, मैंने आपको कुछ कहा? मैंने आपको एक बात भी मेरी बातों से लगा कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ अपने पॉइंट रख रहा हूँ। देखिए आप अगर किसी के घर से आपकी कोई बहस हो रही है, तो आप उसके पिताजी या बड़े से बात करोगे सही से, या फिर बच्चों से लगोगे आप? मैंने भी गुरु जी वही किया था, मैंने भी सुनिए सर, मैंने भी तो वही किया था, इंडसइंड बैंक ने बोला ये हमारे बंदे ही नहीं है। मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं अगर किसी गांव में किसी से उधार लेता हूँ, ठीक है, वो किसी बंदे को भेजता है मेरे पास, ठीक है, कि भाई उससे जाकर उधारी ली हुई है वसूल लिया, वो बंदा आता है वो गाली वाला देता है, गाली वाला किया भाई पैसे तो ये वो तरीके से मानते हैं, बात अलग हो जाती है। उसके बाद मैं जब उस बंदे के पास जाता हूँ कि भाई आपके बंदे ने मेरे को गाली दी, वो बोलता है मेरा बंदा है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर मेरे पास एक ही जवाब होता है ना, भाई तुम्हारा बंदा नहीं है तो तुम्हारे पैसे लेने के क्यों आ गया, मांगने क्यों आ गया? मतलब या तो तुमने भेजा होगा, या फिर उसने फर्जी काम फ्रॉड किया मेरे साथ, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, जो काम करते हैं इससे पैसे वसूल लेते हैं, अगले को मिले ना मिले अपनी जेब तो गर्म हो जाएगी, यही हुआ या तो मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा था, या तो फिर आप लोगों ने उसे भेजा था जो होगा उसे हमें नहीं पता उसका, लेकिन मेरे पास फाइल है सर, मेरी तो बात सुनिए ना सर, आप देखिए आप किसकी काउंट करा रहे, मान लीजिए अगर आप किसी के घर पे गए कुछ भी गए, तो आप काउंट उनकी गलती कराएंगे कि आप बड़े की सुनेंगे, या फिर उसकी काउंट कराने लग जाएंगे? सर देखिए वो गलतियाँ उन बच्चों की थी, क्या थी, किसके पास थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आप मेरी तो सुनिए ना सर।